हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडिंग स्टार्ट पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि आज हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी को लेकर। ये जो विस्कोसिटी है, ये फ्लूइड का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। हालांकि बेसिक फिजिक्स में विस्कोसिटी को उतना ज़्यादा डीप नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे, हम डीप तक भी जाएंगे एंड इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ये बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलो क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हूँ। ठीक है, तो ये है कोहेशन एंड एडिशन। तो कोहेशन एंड एडिशन के बारे में फिर से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि आज इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं फिर से इसको डिस्कस करूँगा। जो सारे दोस्त मेरे प्रीवियस क्लासेस देख चुके हैं, उन सारे दोस्तों को तो ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। जो ये कोहेशन है, ठीक है, ये कोहेशन क्या है, ये है सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल या फिर सिमिलर टाइप ऑफ मोलिक्यूल का बीच का अट्रैक्शन। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ वाटर का। तो वाटर के बीच बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल होंगे एंड वाटर मोलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होगा, ये होगा कोहेशन, क्योंकि सारे वाटर मोलिक्यूल सिमिलर टाइप है एंड सिमिलर टाइप ऑफ मोलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन है कोहेशन। ठीक है, चलो अब एडिशन पे चले जाते हैं। एडिशन देखो, एडिशन है डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल का बीच का अट्रैक्शन। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल का बीच का अट्रैक्शन। अगर मैं किसी सॉलिड सर्फेस पे क्या वाटर रखता हूँ, ओके, सॉलिड सर्फेस पे मैं वाटर गिराता हूँ, तो उन सॉलिड सर्फेस का जो मोलिक्यूल होगा, ओके, एंड जो वाटर का मोलिक्यूल होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वाटर मोलिक्यूल एंड सॉलिड सर्फेस का मोलिक्यूल, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा, इसे कहते हैं एडिशन। ठीक है, तो ये था दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये दोनों टॉपिक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी को। देखो, ये जो विस्कोसिटी वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है बोलो तो चिपचिपापन। ठीक है, विस्कोसिटी का सिंपल मीनिंग है चिपचिपापन। ठीक है, एंड आपने ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स देखे होंगे जो कि चिपचिपा नेचर का होता है। ओके, जो कि होता है चिपचिपा नेचर का। अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लूँ, शहद। ठीक है, शहद, हनी। ओके, हनी, ठीक है, ये जो हनी है ये बहुत ही चिपचिपा नेचर का होता है। एंड और भी अगर एग्जांपल लूँ तो घर में ऐसे यूज़ होता है जैसे ग्लिसरीन। ओके, तो ग्लिसरीन भी बहुत चिपचिपा नेचर का होता है। एंड और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पेंट। ओके, ठीक है, जो कि ग्रिल व्रिल ये पेंट करने के लिए लिया जाता है ना, कलर, ये पेंट भी होता है बहुत ही चिपचिपा नेचर का। तो जो सारे फ्लूइड, जो सारे लिक्विड या फिर जो सारे फ्लूइड चिपचिपा नेचर का होता है, इसे कहते हैं विस्कस फ्लूइड। ओके, चलो लिख लेते हैं इसको, विस्कस फ्लूइड। हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी डिस्कस कर रहे हैं एंड अभी हमने डिस्कस किया विस्कस फ्लूइड। वो सारे फ्लूइड जिनमें चिपचिपा नेचर होता है, ओके, जिसका बिहेवियर, जिसका नेचर होता है चिपचिपा टाइप। ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया था हनी, देन उसके बाद हमने लिया था ग्लिसरीन। ओके, देन उसके बाद क्या, पेंट था। तो ये तीनों एग्जांपल ही काफ़ी है। ओके, चलो इन तीनों एग्जांपल में से एक ही एग्जांपल को लेके हम बाकी चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो यहाँ में हम कौन सा एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे हनी, क्योंकि हनी है स्वीट, स्वीट मतलब मीठा एंड कुछ अच्छा करने से पहले करना चाहिए मुँह मीठा, तो हम लेंगे हनी को। ओके, ठीक है, तो देखो ये जो विस्कस फ्लूइड है, इसका फ्लो होने का एक अलग सा स्टाइल होता है। ये जो विस्कस फ्लूइड है, ये जो फ्लो होता है ना, ये अलग ही स्टाइल पे फ्लो होता है, जैसे दूसरा लिक्विड होता है वैसा नहीं। इसका नेचर जो है फ्लो होने का, ये अलग सा है। ठीक है, क्योंकि ये होता है लेयर्स में फ्लो। ओके, ये होता है लेयर्स में फ्लो। ओके, जैसे कि एक लेयर ये है, एक लेयर ये ऐसे फ्लो होता है। ओके, ऐसे फ्लो होता है, ठीक है, लेयर्स में फ्लो होता है एंड इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स होंगे, ये लेयर्स में फ्लो होता है। एंड क्या है कि ये जो लेयर्स में फ्लो होता है, ये सारे लेयर्स का जो वेलोसिटी है, ये होता है डिफरेंट। ओके, डिफरेंट होता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सारे लेयर्स एक ही वेलोसिटी में जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये सारे लेयर्स डिफरेंट स्पीड में, डिफरेंट वेलोसिटी में क्या होता है, फ्लो होता है। ओके, चलो अब लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, क्या करते हैं कि हमने एक सॉलिड सर्फेस ले लिया यहाँ पे। ओके, सॉलिड सर्फेस ले लिया, चलो सॉलिड सरफेस को कुछ इस तरह से डिनोट कर देते हैं। ओके,
देन मैंने क्या किया, इसमें हनी गिराया एंड हनी को फ्लो कराना है. ओके, हनी गिराया एंड हनी को फ्लो कराना है. तो हनी होगा फ्लो कुछ इस तरह से, हनी इधर जा रहा है. ओके, एंड जैसे कि मैंने कहा विस्कस फ्लूइड लेयर्स में क्या होता है, फ्लो होता है. तो मतलब ये जो हनी फ्लो हो रहा है ना, ये पूरा हनी है, यहाँ से यहाँ तक हनी है. एंड ये होगा, यहाँ में होगा बहुत सारे लेयर्स, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होगा, लेकिन हम समझने के लिए सिर्फ 3-4 ही लेयर्स लेंगे. ओके, क्योंकि उतना सारा लेयर्स ड्रॉ करना हमारे बस की बात नहीं है, सिर्फ 3-4 ही लेयर लेंगे. तो पहला लेयर लेता हूँ, पहला लेयर बोले तो जो कि एकदम ये सॉलिड सरफेस के साथ टच है, ठीक है. दूसरा के बाद तीसरा लेयर एंड चौथा पांचवा लेयर ये. ओके, ठीक है. एंड पहले लेयर के बाद मैंने ब्लैक से दूसरा लेयर दिया एंड ये तीसरा एंड ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा एंड पूरे ऊपर वाला हो गया क्या, सातवा लेयर, ठीक है. एंड देखो मैंने क्या कहा था कि ये सारे लेयर्स का वेलोसिटी अलग अलग होता है. ओके, तो ये वेलोसिटी कैसे होता है ये देख लेते हैं. देखो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा इसका वेलोसिटी होगा सबसे ज़्यादा. ओके, इसका वेलोसिटी होगा सबसे ज़्यादा एंड ये यूनिफॉर्मली रेटली मतलब यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा. ओके, यूनिफॉर्मली ये डिक्रीज होता रहेगा. मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये सॉलिड सरफेस है, ओके, ठीक है, अगर ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी इतना रहा, इतना है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला वेलोसिटी, नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली कम होगा. तो ये हो गया कम थोड़ा सा, ठीक है, उससे नीचे कम थोड़ा सा इतना होगा एंड ये यूनिफॉर्म रेट पे ये कमता रहेगा, ठीक है, डिक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होते 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 आखिर में एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है. ओके, आखिर में जीरो हो जाएगा. मतलब नीचे से अगर मैं देखूँ, नीचे से अगर देखूँ तो नीचे वाला लेयर जो होगा, पहला लेयर, वो लेयर का वेलोसिटी होगा जीरो. ओके, ये याद रखिएगा, ये लेयर का वेलोसिटी होगा जीरो एंड इस लेयर को कहा जाता है नो स्लिप कंडीशन. ओके, नो स्लिप कंडीशन, जेसी मैक्सवेल जी ने ये कहा है कि जो पहला लेयर होगा उसका वेलोसिटी होगा जीरो एंड इसे कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है. अब ये क्यों होता है, ये वेलोसिटी ऐसा क्यों इंक्रीज होता है नीचे से अगर हम देखने जाए, ओके, या फिर ऊपर से हम अगर नीचे आए तो वेलोसिटी ऐसे डिक्रीज क्यों होता है, इसके वजह रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है. ओके, ये हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विस्कोसिटी का क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं. ओके, विस्कोसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं. विस्कोसिटी क्या कहा है, देखो सिंपल एकदम स्किन पे आ रहा है. ओके, इसको बाद में समझेंगे लेकिन पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है. देखो पहले क्या आ रहा है कि टू एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड रेजिस द मोशन ऑफ इच अदर, सच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है. क्या कहा है, दो एडजेसेंट लेयर मतलब दो आजू बाजू वाला लेयर एक दूसरे की मोशन को क्या करता है, रेजिस करता है एंड इस तरह की प्रॉपर्टी को कहता है विस्कोसिटी. ओके, ये हो गया पहला डेफिनेशन एंड दूसरे डेफिनेशन के लिए जगह बनाना होगा. तो पहला डेफिनेशन को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, दूसरा डेफिनेशन आ गया है. देखो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड. तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसको, लेयर्स की मूवमेंट को. एक लेयर के ऊपर जो दूसरा लेयर का मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को ऑफर करता है रेजिस्टेंस, मतलब रोकता है, ठीक है. ये प्रॉपर्टी है क्या, विस्कोसिटी. ओके, चलो तीसरे डेफिनेशन पे चले जाते हैं जो कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो इसके लिए जगह बनाना होगा. तो चलो दोनों को ऊपर उठाओ. ओके, तीसरा आ गया. देखो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which an internal force of friction comes into play. Okay, when a fluid is in motion and which opposes the relative motion between its different layer, the backward dragging force called viscous drag or viscous force acts tangentially to the layers of the fluid in a motion and tends to destroy its motion. तो ये पूरा तीसरा जो डेफिनेशन था इसमें पूरा घटना कहा गया है, पूरा
डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इन तीनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं विस्कोसिटी का, ठीक है। ये तो मैं हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, अब इसको समझेंगे, ओके। अब इसको समझेंगे, हमने जो यहाँ पे हनी का एग्जांपल लिया था ना, इस हनी के एग्जांपल से हम क्या करेंगे, विस्कोसिटी का डेफिनेशन समझेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है, कॉज क्या है, ये सारे चीज़ों को समझेंगे, ओके, ठीक है। अगर आपके पास बुक हो फिजिक्स का तो वहाँ पर भी विस्कोसिटी का डेफिनेशन होगा, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं एग्जाम पे। देखिए, आपको ऐसा डेफिनेशन लिखना है जिससे कि ये जो मीनिंग है विस्कोसिटी का ये समझ में आए, ठीक है, ओके। चलो अब क्या करते हैं, समझते हैं डेफिनेशन को कि हमने ये तीनों डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, ओके। चलो इस घटना पे चले आते हैं फिर से। मैंने क्या कहा कि लेयर्स का जो वेलोसिटी होगा कुछ इस तरह से डिक्रीज होगा, सबसे ऊपर वाला का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ये धीरे 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 डिक्रीज होगा, ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ओके। एंड सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा जो कि सरफेस के साथ टच होगा उसका वेलोसिटी होगा जीरो, एंड जिसे कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो चलो इसका मोलिक्यूलर थ्योरी देख लेते हैं, मोलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हमने कोहेशन एंड एडिशन के बारे में अभी अभी पढ़ा, ओके, कोहेशन एंड एडिशन के बारे में अभी अभी पढ़ा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिगर से ओनली मैं फोर लेयर को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। देखो एकदम बिल्कुल ये हो गया क्या, सरफेस, सॉलिड सरफेस, एंड उसके ऊपर क्या है, एक लेयर है, ओके। सिर्फ तीन से चार लेयर में ड्रॉ करूँगा, ओके। ये है लेयर, पहला लेयर, ओके, दूसरा एंड तीसरा लेयर, ठीक है, ओके। चलो दूसरा लेयर को मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड चौथा लेयर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। देखो अब ये जो लेयर है, ठीक है, इसलिए ये लेयर टू लेयर फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स होंगे ये एकदम लाइन पे होगा मोलिक्यूल, ओके, क्योंकि ये लेयर पे हो रहा है, तो यहाँ पे मोलिक्यूल्स कुछ इस तरह से रहेगा, ओके, ठीक है, एंड यहाँ पे इस तरह से रहेगा, इस तरह से मोलिक्यूल्स होगा, सारे लेयर्स पे तो मोलिक्यूल्स होगा ना, ओके। चलो ये हो गया मोलिक्यूल्स, एंड देखो सॉलिड सरफेस पे भी तो मोलिक्यूल्स होगा ना, सॉलिड मोलिक्यूल्स, ओके। चलो अब पहला लेयर देख लो, पहला लेयर किसके साथ टच है, सॉलिड सरफेस के साथ टच है, ठीक है, सॉलिड सरफेस के साथ टच हुए हैं, ओके। तो सॉलिड सरफेस का जो मॉलिक्यूल है एंड जो पहला लेयर का मॉलिक्यूल है, हनी का जो पहला लेयर का मॉलिक्यूल है, इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, ओके। एंड ये किस तरह का अट्रैक्शन होगा बोलो, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच, मतलब एडेशन होगा, इसमें होगा एडेशन सॉलिड सरफेस का मॉलिक्यूल के बीच एंड फर्स्ट लेयर का जो हनी का मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच होगा एक एडेशन, ओके। एडेशन की वजह से ये सॉलिड सरफेस इस लेयर का जो सारे मॉलिक्यूल्स है इसको पकड़ के रखेगा एंड इसको जाने ही नहीं देगा, ओके। इसको इतना अच्छा तरह अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा कि ये लेयर मूव ही नहीं होगा, ओके, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी जो है जीरो है, ये बिल्कुल एकदम टाइट करके इसको पकड़ के रखा है, तो ये जा नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी हो गया जीरो, ओके। तो इसका रीज़न क्या है, ये जो नो स्लिप कंडीशन है इसका रीज़न क्या है बोलो, इसका रीज़न है एडेशन, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन का रीज़न क्या है, एडेशन। देन हम अगर सेकंड लेयर पे चले जाएं, ठीक है, अगर हम सेकंड लेयर पे चले जाएं तो सेकंड लेयर पे क्या देखने को मिल रहा है कि सेकंड लेयर के ऊपर भी एक लेयर है एंड नीचे भी एक लेयर है। किसका लेयर है, हनी का ही तो लेयर है, ठीक है, एंड सेकंड लेयर किसका लेयर है, हनी का ही लेयर है। तो ये हो गया ना, यहाँ पे सेकंड लेयर पे जो सारे मॉलिक्यूल्स है ये, एंड थर्ड लेयर पे जो सारे मॉलिक्यूल्स है एंड फर्स्ट लेयर पे जो सारे मॉलिक्यूल है, ये सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। तो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोहेशन, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है कि पहला जो कंडीशन था, पहला कंडीशन ये जो मॉलिक्यूल्स को था, ये मॉलिक्यूल्स को खींच के रखा था, पकड़ के रखा था, ठीक है। अब क्या करेगा, जो पहले लेयर का जो मॉलिक्यूल है ये तो फिक्स कंडीशन पे है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल्स है इस लेयर को खींचेगा पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ खींचेगा, ओके, पीछे की तरफ उसको खींच के रखेगा, क्योंकि लेयर नंबर वन है फिक्स कंडीशन पे, तो ये लेयर नंबर सेकंड को भी फिक्स कंडीशन में रखने की कोशिश करेगा, ओके,
ठीक है। एंड थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर क्या करेगा, थर्ड लेयर का तो थोड़ा सा वेलोसिटी है, सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर का वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था वेलोसिटी कुछ इस तरह से होता है, ओके, वेलोसिटी इस तरह से होता है, तो ठीक है, वेलोसिटी इस तरह से इंक्रीज होता है, ओके, तो सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर का तो थोड़ा सा वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो थर्ड लेयर क्या चाहेगा कि सेकेंड लेयर को सामने की तरफ खींच के ले जाओ, थर्ड लेयर का जो मॉलिक्यूल है ये सेकेंड लेयर की मॉलिक्यूल को सामने की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा बोलो, फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर के बीच एक बैकवर्ड ड्रैग फोर्स का डेवलप होगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर का जो मॉलिक्यूल है, फर्स्ट लेयर का जो मॉलिक्यूल है ये सेकेंड लेयर की मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ खींच के रख रहा है, तो ये यहाँ पे एक बैकवर्ड ड्रैग फोर्स डेवलप होगा, जिसका नाम दिया गया है क्या, विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स, तो इसको हमने लिखा एफ से, ठीक है, ओके। एंड वही केस कहाँ पे आएगा, तीन नंबर लेयर एंड चार नंबर लेयर के बीच, तो जब हम तीन नंबर लेयर को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब हमें देखने को मिलेगा कि दो नंबर जो लेयर है, दो नंबर लेयर तीन नंबर लेयर को पीछे की तरफ खींच रहा है, ओके, क्योंकि दो नंबर लेयर का वेलोसिटी है कम एंड तीन नंबर का लेयर का वेलोसिटी है ज़्यादा, तो क्या करेगा, दो नंबर तीन नंबर को खींच के रखेगा, एंड चार नंबर क्या करेगा, चार नंबर का वेलोसिटी ज़्यादा है, इसीलिए चार नंबर तीन नंबर लेयर को सामने की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे दो नंबर उसको पीछे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स होगा डेवलप, एक बैकवर्ड ड्रैग फोर्स डेवलप होगा, बिल्कुल सारे लेयर्स पे ऐसे ऐसे बैकवर्ड ड्रैग फोर्स डेवलप होगा, ओके, ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है कोहेशन की वजह से, ओके, कोहेशन की वजह से, एंड जिस फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग, ओके, ठीक है, समझ में आया कि ये लेयर्स का स्पीड क्यों कम रहा है, क्यों वेरी वेरी क्यों कर रहा है, कि धीरे धीरे ऊपर वाला स्पीड ज़्यादा है, धीरे धीरे नीचे नीचे जितने जाते हैं हम, नीचे की लेयर पे जितने जाते हैं तो वेलोसिटी कमते 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 जीरो क्यों हो रहा है, ये सब की वजह है कोहेशन, ठीक है, कोहेशन, लेयर टू लेयर कोहेशन। एंड दूसरा चीज़ देखो ये जो लेयर है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा है ऐसे, तो जब स्लाइड हो रहा है, ओके, जब स्लाइड होगा तब वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, ओके, स्लाइड होने से पता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस के टेंजेंशियल होगा, एकदम टच करके होगा ऐसे, ठीक है, एंड उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, पीछे की तरफ, ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, इस एफ को फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, विस्कस ड्रैग भी कह सकते हैं या फिर विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ये था बेसिक रीजन बिहाइंड द विस्कोसिटी, ओके, विस्कोसिटी के पीछे रीजन क्या है, कोहेशन, ओके, बेसिक रीजन है कोहेशन, एंड थोड़ा सा एडिशन का भी रोल था, नो स्लिप कंडीशन पे एडिशन का रोल था, हमने देखा, ठीक है, चलो ये हो गया विस्कोसिटी। अब क्या करते हैं कि विस्कोसिटी के ऊपर इस विस्कस फोर्स जो हमें मिला, ठीक है, ये विस्कस फोर्स जो हमें मिला, तो विस्कस फोर्स को निकालने के लिए न्यूटन जी ने अपना एक फॉर्मूला दिया है, ओके, तो उस फॉर्मूला को थोड़ा सा डेराइव कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, ओके, वैसे तो न्यूटन जी का एक और भी लॉ है जो आपके सिलेबस पे है नहीं, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको आगे डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग को डिटरमाइन करने के लिए न्यूटन जी ने जो फॉर्मूला दिया है उसको हम क्या करते हैं, डेराइव करते हैं, ठीक है, चलो उसको डेराइव करने के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फिगर ड्रॉ करना होगा, ये सॉलिड सर्फेस हो गया, ओके, ये हो गया सॉलिड सर्फेस, ठीक है, तो सॉलिड सर्फेस के ऊपर लेयर जो फ्लूइड है, जो विस्कस फ्लूइड है, ये फ्लो हो रहा है, तो मान लेते हैं दो लेयर को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, पहला लेयर जो कि सॉलिड सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे है, ओके, पहला लेयर जो कि सॉलिड सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे है, एंड दूसरा लेयर जो कि सॉलिड सरफेस से एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस में है, मतलब एक्स डिस्टेंस एंड उससे थोड़ा ऊपर और एक लेयर, ये दोनों लेयर को हमने कंसीडर किया, ओके, डी एक्स बहुत ही छोटा वैल्यू है, ओके, चलो अब इसका
वेलोसिटी देख लेते हैं। तो पहला लेयर जो x डिस्टेंस पे था उसका वेलोसिटी v, एंड दूसरा लेयर जो उसके ऊपर था उसका लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर का लेयर है इसलिए इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा वेलोसिटी, तो ये डेल्टा v मान लेते हैं। देखो अब क्या है कि ये dx डिस्टेंस चेंज होने से, ये dx डिस्टेंस यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बोलो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, dx ही तो होगा ना, ये x, ये प्लस dx, ओके, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, dx होगा। एंड ये dx डिस्टेंस चेंज होने से वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है बोलो, ये dx चेंज होने से वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, dv, ओके, डेल्टा v, क्योंकि v पहले भी था, v पहले ही था, एंड ये डिस्टेंस चेंज होने के बाद ये डेल्टा v इंक्रीज हो गया, ओके। अब देखो क्या है कि ये जो पहला लेयर था, पहला लेयर का डिस्टेंस था x, ओके, एंड चेंज कितना हुआ डिस्टेंस, dx चेंज हुआ, तो dx चेंज होने से क्या वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा v, तो वेलोसिटी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस कितना हो रहा है बोलो, वेलोसिटी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस dx से कितना हो रहा है, इतना इतना ही तो हो रहा है, ओके, तो ये क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। अगर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में पूछा जाए तो आप ये कह सकेंगे चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके, बात समझ में आया, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, ओके, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है, चलो वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब न्यूटन जी ने ये कहा है, न्यूटन जी ने ये कहा है, ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ओके, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, कॉन्टैक्ट एरिया के प्रोपोर्शनल है। चलो पहला पहला उन्होंने कहा है कि ये जो विस्कस फोर्स है, ओके, ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्टैक्ट एरिया से, ओके, कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू लेयर्स, मतलब मैं इसको समझा रहा हूँ, ओके, ये पहला लेयर हो गया, ये नीचे वाला लेयर ये हो गया, एंड दूसरा ऊपर वाला लेयर ये हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक एक ऊपर एक के ऊपर एक स्लाइड हो रहा है, ऐसे स्लाइड हो रहा है ना, ठीक है, तो कितना एरिया जुड़ के ये कॉन्टैक्ट है, कनेक्ट है, टच हुए हैं बोलो, ये एरिया पूरा, ठीक है, ये हथेली का पूरा एरिया टच हुआ था, ओके, तो इसी एरिया के साथ क्या है ये विस्कस फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये एरिया ज़्यादा हो जाता है तो विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगा, ओके, जितना एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा ना, तो यही तो कहा है न्यूटन जी ने कि ये एरिया के साथ कॉन्टैक्ट मतलब टच हुआ एरिया के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दूसरा ये कहा है कि ये जो विस्कस फोर्स है ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, चलो इस अब ये दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग वन एंड टू, ठीक है, ये दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है ए डी वी बाई डी एक्स, ओके, एंड ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको रिमूव करने के लिए हमें चाहिए कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ओके, कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो इसको हटा दो, तो क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनल एक कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चला आया ईटा, ठीक है, ए डी वी अपन डी एक्स, ओके। अब देखो ये जो विस्कस फोर्स है एंड ये जो वेलोसिटी मोशन है, मोशन का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, ये विस्कस ड्रैग का बैकवर्ड है एंड ये मोशन फॉरवर्ड है, ठीक है, एंड फ्लूइड का मोशन क्या फॉरवर्ड है, इसीलिए ये दोनों ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पे एक मैंने लगा दिया एक माइनस साइन, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों जो इधर का एंड इधर का जो रिलेशन है ये ऑपोजिट है, बिल्कुल डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, विस्कस फोर्स जहाँ पे पीछे की तरफ एक्ट हो रहा है एंड मोशन जहाँ पे सामने की तरफ जा रहा है, ओके, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट क्या ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने लिया ईटा, तो इसे कहते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ये सी होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इस फॉर्मूला के सहारे हमने क्या निकाल सकेंगे, विस्कस
फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स, तो ये दिया था न्यूटन जी ने। अब क्या करते हैं, ये जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो एक नया टर्म हमें मिल गया, तो इसको लेके चलो, इसको लेके हम सीखते हैं अभी, इसको लेके करते हैं डिस्कस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो नया टर्म है इसका डेफिनेशन निकालना होगा, तो डेफिनेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, ओके, इसको फिर से रीअरेंज करेंगे। चलो इसको पूरा मैं इरेज कर देता हूँ, ओके, चलो लिख लेता हूँ को एफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ईटा। तो देखो हमें क्या मिला था, dx, तो यहाँ पे ईटा को एक तरफ रखो तो मिल जाएगा f a dv by dx, नहीं ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा उल्टा, तो dx by dv, ओके, ठीक है। अब अगर हम यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं, अगर हम यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं, मतलब जो एरिया टच हुए है ना, दोनों लेयर में जो एरिया टच हुआ है उसको अगर हम 1 यूनिट मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू f, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स। तो कुछ हम इस तरह से कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहा जा सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड मे बी डिफाइंड एज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड मे बी डिफाइंड एज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन क्या यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन इट्स टू पैरेलल लेयर्स ऑफ यूनिट ऑफ ईच यूनिट एरिया, ओके, तो दोनों जो पैरेलल लेयर होगा ना, पैरेलल लेयर का एरिया भी क्या होगा, यूनिट होगा, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट मेंटेन रखने के लिए जितना हमें चाहिए विस्कस फोर्स, ये हो गया आपका क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो मैं स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ इसका डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है और कोई भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्या देखो, ये है रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लेयर, ओके, बिटवीन टू पैरेलल लेयर ऑफ यूनिट एरिया, ओके, ऑफ यूनिट एरिया, द रिक्वायर्ड फोर्स विस्कस फोर्स इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालते हैं SI यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। चलो इस यहाँ से ही निकालते हैं। देखो ये जो SI यूनिट क्या होगा, ईटा f by a एंड क्या है dx by dv, तो सारे टर्म्स का SI यूनिट लगाओ यहाँ पे, SI यूनिट यहाँ पे बिठा दो, तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन एंड इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, एंड ये है, ये तो लेंथ ही है ना, तो ये मीटर होगा, एंड dv मतलब मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। तो चलो इसको करो सिंप्लीफाई, देखो न्यूटन मीटर मीटर कट जाएगा, तो रह जाएगा ऊपर सेकेंड चला जाएगा, नीचे रह जाएगा इतना, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो इसे हम कह सकते हैं, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है पास्कल, एंड सेकेंड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पास्कल सेकेंड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, पास्कल सेकेंड भी इसे कह सकते हैं, इसका अलग सा नाम है एक पोएसेली, ठीक है, इसको पोएसेली भी कहा जा सकता है, देखो POISUELLEY कुछ इस तरह से इसका, अच्छा सॉरी SUELLEY पोएसेली, ठीक है, तो इसको इस तरह से भी कहा जा, पोएसेली कहा जा सकता है, विस्को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या है, पोएसेली या फिर पास्कल सेकंड, ठीक है, एंड CGS यूनिट निकालो इसका, CGS यूनिट क्या होगा, देखो ईटा का CGS यूनिट होगा फोर्स पर एरिया dx बाई dv, तो सारे चीज़ों को बैठाओ, डाइन फोर्स का SI यूनिट CGS यूनिट है डाइन, एंड एरिया का SI यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, एंड ये होगा सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डाइन सेकेंड, एंड नीचे होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है,
तो इसको कहा जाता है पॉयस, ठीक है, इसको कहा जाता है पॉयस। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या है? पॉयस। अब क्या करते हैं कि निकालते हैं इसका डायमेंशन, देन उसके बाद रिलेशन निकालेंगे सीजीएस एंड एसआई यूनिट के बीच। ओके, तो डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है, डायमेंशन निकालना हमें आता है। ओके, डायमेंशन निकालो, डायमेंशन कुछ इस तरह से निकालेंगे। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, ईटा। फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू, एंड ये मतलब ये है लेंथ मतलब एल, नीचे हो जाएगा एरिया मतलब एल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस वन। ठीक है, तो इसको अगर हम इससे कट करते तो एंड क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन, किसका किसका डेफिनेशन बोलो तो, किसका डायमेंशन बोलो तो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ओके, ये हो गया। चलो अब रिलेशन निकालते हैं सीजीएस एंड एसआई यूनिट के बीच, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस एंड एसआई यूनिट का बीच हम निकालते हैं रिलेशन। ठीक है, चलो ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में, पूछा जाता है ये रिलेशन डिराइव करना, क्योंकि ये हमने फिजिक्स के पहले ही चैप्टर में सीख के रखा है। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ किया था, एप्लीकेशंस में सीखा था टू कन्वर्ट द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, ठीक है, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम जो कन्वर्ट का प्रोसेस था, कन्वर्ट का, ये हमने सीखा था पहले ही चैप्टर में। तो बिल्कुल ये है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन सी जी एस एंड एस आई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो एसआई यूनिट हमें क्या मिला था, वन पास्कल सेकेंड। ओके, तो वन पास्कल सेकेंड मतलब क्या, फोर्स एरिया डॉट डी एक्स बाय डी वी। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे हम निकालेंगे पहले एसआई में। तो ये हो जाएगा न्यूटन, वन वन न्यूटन। ओके, वन न्यूटन, एंड ये हो जाएगा वन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा वन मीटर, एंड ये हो जाएगा वन मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, चलो इस सारे चीज़ों सारे टर्म्स को क्या अब सीजीएस में कन्वर्ट करो, जैसे कि हम करते थे वन न्यूटन इज इक्वल टेन टू द पावर फाइव डाइन। ओके, ठीक है, एंड वन मीटर स्क्वायर मतलब क्या होगा, हंड्रेड, उसके पीछे और दो जीरो, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये होगा हंड्रेड सेंटीमीटर, वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी होगा हंड्रेड सेंटीमीटर सेकेंड बस। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं क्या, ऊपर कितना आएगा बोलो, फाइव एंड यहाँ पे दो, तो टेन टू पावर सेवन आएगा, एंड नीचे क्या आएगा बोलो, नीचे आएगा टेन टू पावर सिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब टेन पॉयस। ठीक है, तो ये सारे तो सीजीएस में कन्वर्ट हो गया ना, तो सीजीएस यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या हो गया, टेन पॉयस। ओके, ठीक है, तो देखो अब हमने क्या इसका रिलेशन निकाल चुके, वन पास्कल सेकेंड या फिर वन पॉयसिली इज इक्वल टू टेन पॉयस, वन पॉयसिली इज इक्वल टू टेन पॉयस, या फिर हम इसे भी लिख सकते हैं वन पॉयस इज इक्वल टू वन बाई टेन पास्कल, पास्कल सेकेंड। ओके, पास्कल सेकेंड, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे पूछा जा सकता है, एग्जाम में ये चीज़ पूछा जा सकता है, आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि हम अब देखेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले चले जाते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड। ओके, नेचर ऑफ फ्लूइड। ओके, नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, चलो, एंड देन उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या बोलो, आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर लिक्विड के केस में देखते हैं, चलो इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं फॉर लिक्विड क्या होगा बोलो, फॉर लिक्विड टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ओके, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा डिक्रीज। ओके, हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं लिक्विड के केस में तो विस्कोसिटी हो जाएगा डिक्रीज, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड अगर गैस के केस में देखो, गैस
गैस के केस में क्या होगा, टेम्परेचर को अगर करते हैं इंक्रीज तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा इंक्रीज। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है कि लिक्विड के केस में टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन गैस के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड इसके बाद चलो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ओके, देखो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में ओके, प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इंक्रीज। ओके, एक्सेप्ट H2O, मतलब वाटर को छोड़ के, वाटर को छोड़ के बाकी जितने सारे लिक्विड है उनमें क्या है, प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इंक्रीज। एंड गैस के केस में, गैस के केस में ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, मतलब प्रेशर में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में प्रेशर का कोई रोल नहीं है। किसके केस में, यही था पूरा विस्कोसिटी के ऊपर जितना आपको सिलेबस में दिया गया है, तो ये अच्छी तरह से पढ़िए क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है विस्कोसिटी से तो बिल्कुल यहाँ से आएगा। ठीक है, बिल्कुल यही से आएगा, यही से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको घुमा के दे देगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट आना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो। ठीक है, एंड इसका अगर न्यूमेरिकल होता है तो न्यूमेरिकल हम बाद में जब प्रैक्टिस क्लास करेंगे, प्रैक्टिस क्लास या फिर रिवीजन क्लास, तब हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास पे। अगले क्लास पे हम करने वाले हैं क्या, पास्कल्स लॉ के बारे में। ठीक है, एंड यूनिट 2 से और 3 लेक्चर्स होगा। ठीक है, 3 लेक्चर्स होगा, आज है सैटरडे तो कल संडे, मंडे एंड ट्यूजडे को ये यूनिट हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, ट्यूजडे को ये यूनिट हो जाएगा ख़त्म, देन उसके बाद यूनिट 3 को स्टार्ट कर देंगे। चलो मिलते हैं अगले क्लास पे, थैंक यू वेरी मच।